उमरिया जिले के ग्राम बेली गांव के कलोनी मोहल्ला के निवासी महेंद्र कुमार बैगा पिछले 5 साल से लगातार लकड़ी जलाकर शाम की पढ़ाई करते हैं, जिससे सही साफ न दिखाने से उनकर पढ़ाई कम कर पाते हैं। वह सुबह भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन वह पढ़ने में तो भी कमज़ोर हैं। तो स्कूल क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि हमारे घर में लाइट नहीं है, इसलिए लकड़ी लेने आए हैं। लकड़ी लेकर जाएंगे, तब इसके बाद स्कूल जाएंगे। तो आप लकड़ी जलाकर पढ़ाई करते हैं, सही तरीके से पढ़ाई कर पाते हैं? सही तरह से नहीं पढ़ पाते हैं। फिर कैसे पढ़ाई करते हैं? सुबह फिर उठते हैं तो फिर पढ़ते हैं। महेंद्र कुमार कक्षा 9 का छात्र हैं। वह कॉलोनी मोहल्ला में ऐसे स्थिति से गुजरने वाले 7 छात्राएं और 14 घर, 18 परिवार और 93 जनसंख्या गुजरते हैं अंधेला से। वहाँ बिजली नहीं लगा है। तो आप लाइट यहाँ नहीं है तो आप कैसे गुजारा चला रहे हैं? बस घास लेट कहीं आ गए लकड़ी से, यही प्रबंध बन रहा। का करो जा, गरीब आदमी क्या कर सक। और जब लाइट नहीं है तो आप किस किस चीज़ का सामना करना पड़ता? कुछ नहीं कर सकते। और आपको कैसा दिक्कत जा रही है? और दिक्कत हमें ही अब ऐसा लग रहा है कि आज के ज़माने में हमें बहुत भारी महाभारत का समय दिखा रही है, कि यदि लाइट होती तो अपन और कुछ आदमी करत। हमारे बाल बच्चे अंधियार में पड़े रहते हैं, को जाने कहाँ बीची है, कहाँ सरफ है, कहाँ का है। जो हॉस्टल है, हॉस्टल तक में आज तक बत्ती नहीं लग रही है। वहाँ बेचारे लड़का सब वैसे पड़े हैं, अंधेला में रहते हैं। मैं यह वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि लाइट न लगने से कैसे लोग रहते हैं परिवार के साथ, और कैसे करते हैं पढ़ाई छात्र शाम को, कैसे करते हैं लोग गुजारा अंधेला में। मैं चाहता हूँ कि यह बेली गांव के कॉलोनी मोहल्ला में 5 खंभे और 300 मीटर केबल और 13 मीटर लगाया जाए। यह सुविधा बिजली विभाग करेगा। मैं रामलाल बैगा, ग्राम तखतपुर, ब्लॉक करकेली, जिला उमरिया, मध्य प्रदेश से इंडिया अनहाट के लिए।